हरियाणा सरकार के 4 वर्षों की उपलब्धियों को इंद्री हलके के कुंजपुरा में आयोजित जिला स्तरीय रैली के माध्यम से जनता के सामने रखा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस कार्यकाल में पूरे प्रदेश का बिना भेदभाव के समान विकास करवाया गया है। हरियाणा सरकार ने घोषणा पत्र के अधिकतर वायदों को पूरा कर दिया है और आगामी 1 वर्ष में सभी घोषणाओं को अमलीजामा पहनाया जाएगा। यह बात खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री करणदेव कांबोज ने इंद्री रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इस रैली की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंत्री करणदेव कांबोज ने इस दौरान बताया कि 4 साल बेमिसाल जन विश्वास कुंजपुरा रैली को शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और PWG मंत्री राव नरबीर बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करेंगे। दोनों मंत्री 4 वर्ष की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे, लेकिन कुछ षड्यंत्र के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस प्रकार का माहौल, क्योंकि अब 4 साल इस सरकार को पूरे हो गए और ये अब चुनावी वर्ष है, 1 साल बाकी बचा हुआ, इसमें सभी प्रकार के हथकंडे अपनाए जाएंगे कि सरकार को, क्योंकि आज विपक्ष के पास कोई बोलने का मुद्दा नहीं है। विपक्ष जो है ना बिल्कुल कर्मचारियों को विपक्ष उकसा रहा है जी, बिल्कुल जो है ना विपक्ष कुछ शरारती तत्वों के माध्यम से विपक्ष इस प्रकार का जो है ना अपने खेल खेल रहा है कि ताकि सरकार को किसी न किसी रूप में बदनाम किया जाए। अन्य कर्म जो ये अभी रोडवेज कर्मचारियों की जो हड़ताल हुई है और इसमें जो उनका मुद्दा है, वो मुद्दा ये 700 कुछ बसें जो सरकार ने अभी रूट दिए हैं, जो हायर की हैं, ये जो है इसमें परिवहन बेड़े में शामिल नहीं किए जाए। मेरा यह कहना है, सरकार का यह कहना है कि हम इसका कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, कोई निजीकरण हम रोडवेज का नहीं कर रहे हैं, हम केवल मात्र ऐसे जो डेड रूट थे उन पर बसें चलाने के लिए, उन पर लोगों को सुविधा देने के लिए, आम जनता को जो है परिवहन की सुविधा मिले, केवल मात्र उनकी सुविधा के लिए ये इस प्रकार के रूट जो है ना अलर्ट किए गए हैं। इसमें किसी का अहित नहीं है, और जबकि रोडवेज का जो हमारा पर किलोमीटर का जो एवरेज खर्चा आता है वो 42 रूपये पर किलोमीटर का आता है, और ये तो केवल हमने 37 रूपये हाईएस्ट है, इससे कम में भी है, यानी कि इसमें भी जो है बचत ही होगी, इसमें कोई नुकसान नहीं है किसी भी प्रकार का। और इसमें मंत्रियों की बसें हैं और घोटाला हुआ है, कोई किसी भी प्रकार का ऐसा, ना किसी मंत्री की कोई बस है, ना किसी विधायक की कोई बस है, ओपन टेंडर हुए थे, जिसने भी इसमें टेंडर लॉट डाले हैं, टेंडर भरे हैं, उन लोगों को जो है ना कंसिडर किया गया, और ऑनलाइन टेंडर कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी को कोई मना ही नहीं है, उसमें जो कंडीशन दिए उस कंडीशन के तहत कोई भी अप्लाई करे, पूरे भारत का कोई भी व्यक्ति अप्लाई करे, किसी के लिए कोई बंदिश नहीं है। और इसमें जो हमारा कंडक्टर होगा वो रोडवेज का होगा, परमिट होगा वो हमारा सरकार का होगा, तो इसमें निजीकरण कहां से आएगा, मुझे समझ में नहीं आता क्यों क्यों इस प्रकार का एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार जो है इसका निजीकरण करने जा रही है।